हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक नई तरह की लाजवाब रेसिपी, जो है बैम्बू शूट यानी बैम्बू स्प्राउट की रेसिपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बांस की कोपले और उड़िया में हम इसे कर्डी भी कहते हैं। ये चीज़ बहुत सारे कंट्रीज़ में खाए जाते हैं और स्पेशली ट्राइबल लोग इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ये चीज़ को खाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ चीज़, जैसे कि बैम्बू शूट का प्रोसेसिंग कैसे होता है और इसका हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। अब चलिए बनाते हैं बैम्बू शूट की रेसिपी। यहाँ पे मैंने बैम्बू शूट को भिंडी के साथ बनाया है। पहले कढ़ाई को गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल देंगे। तेल के गरम होने के बाद मैंने भिंडी को फ्राई कर दिया है थोड़ा सा। देखिए इस तरह से आप भिंडी की कटिंग करेंगे और इसको हम पाँच से सात मिनट तक पका लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। देखिए भिंडी लगभग पक चुकी है। हम इसको कढ़ाई के एक साइड पे कर लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल्स है वो एक साइड में निकल आए। अब उस भिंडी को हम एक प्लेट पे निकाल देते हैं। अब उसी कढ़ाई में एक से दो चम्मच तेल फिर से गरम करके उसमें एक हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा सा सरसों। इसमें अब हम कटी हुई लहसुन डाल देते हैं। लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। फिर इसमें हम डाल देते हैं बैम्बू शूट यानी कड्डी। इसको मैंने अच्छे से पानी में धो दिया है साफ करके। इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में ऐसे कंटिन्यूसली इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम एक कटा हुआ टमाटर को डाल देते हैं। इसको मिला देते हैं अच्छे से। फिर इसमें अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक देंगे। जितना नमक चाहिए पूरी रेसिपी के लिए एक साथ डाल देंगे। अब हम इसको एक से दो मिनट तक कवर करके टमाटो को पकने देते हैं। हो चुका है। अभी हम इसमें जो भिंडी रखे थे फ्राई करके इसको मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ऐसे मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहिए। अब इसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स लेंगे, इसको मिला दीजिए अच्छे से। बस अभी ढक्कन लगा के दो से तीन मिनट तक रख लेंगे। देखिए हमारी रेसिपी पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।